भारतीय टीम के अर्पण मौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या राष्ट्रीय क्रिकेट संघ NCA में राहुल द्रविड़ की टीम के मार्गदर्शन में रिहा प्रक्रिया शुरू करेंगे। मुंबई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए पहले वनडे में अभ्यास के दौरान टीम प्रबंधन ने हार्दिक पांड्या से कहा था कि वह NCA में अपना रिहैब पूरा करे। टीम प्रबंधन से संबंध रखने वाले सूत्र ने बताया कि हार्दिक मौला खिलाड़ी से NCA में रिहैब पूरा करने को कहा गया है और इसे पूरा होने में तकरीबन 15 से 20 दिन का वक्त लग जाएगा। सूत्रों के मुताबिक जब पांड्या ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाले मैच से पहले भारतीय टीम के साथ अभ्यास किया था तो टीम प्रबंधन ने उनसे मंगलवार से ट्रेनिंग शुरू करने को कहा। यह मुख्यतः 2 हफ्ते का कार्यक्रम होगा, इसके बाद वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए तैयार होंगे। वहीं पांडे और बुमराह ने अपनी चोटों को ठीक करने के लिए दिल्ली कैपिटल्स के ट्रेनर रजनीकांत शिवागमन की सेवाएं ली। BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली ने हालांकि साफ कर दिया है कि सभी खिलाड़ियों को NCA में रिहैब करना होगा। गांगुली ने कहा, मैं द्रविड़ से मिला था, हमने एक सिस्टम बना दिया है, गेंदबाजों को NCA जाना होगा, अगर किसी और ने इनका इलाज किया है तो उन्हें NCA आना होगा। उन्होंने कहा, कारण जो कोई भी हो, हम हर चीज को समायोजित कर लेंगे, हम इस बात को भी सुनिश्चित करेंगे कि खिलाड़ी यहां आराम से रहे और उसे ऐसा नहीं लगे कि वो अलग थलग है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।